Hello everyone. So this is supposed to be my first vlog, and our journey towards Sumikchen is just begun. So right now I'm driving, so it's not good talking while driving. So catch you guys there on the way. So guys, अभी हम आपके मेरे एक दोस्त के साथ मैं प्रैंक करने वाला हूँ. एक्चुअली मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो मैं अभी तबे नाले के लिए निकल रहा हूँ. बट माई फ्रेंड हिशमतुल्लाह हैज़ नो आइडिया कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं उसको किधर ले जा रहा हूँ. मैंने उसको खाली बताया है कि हम दोनों थोड़ा 5 मिनट के ड्राइव पर चलेंगे आगे तक, फिर वापस आएंगे. बट ही इज़ अबाउट टू रीच, ही हैज़ नो आइडिया दैट आई एम गोना टेक हिम टू तबे नाले. So here we go guys. Shit, he's about to come. Are. Assalamu alaikum bhai jaan. Gawan. Dur la. Da cha sidhe ta yahan pe aur main. Chal chalte hain. Let's go. It's too cold, huh? तो गाइस, ये रहा तेबे नाले का पहला गांव जिसको तेब्दो बोलते हैं. तो ऐसे ही 6-7 गांव मिलके पूरा तेबे वैली बनता है. तो आगे आपको बाकी विलेजेस को भी मैं एक्सप्लोर कराऊंगा. हाँ थोन बन मंगा था आया मल्ला फिर सही है क्या हुए मैं तो चला भाई अपने घर काम है क्लोज हो रहा क्लोज होता दो ले दे तक दो ऐसा नहीं मत मत ये अलग वाला अल्लाह सनी हो गया तो वाला लिख दे नहीं दो कर रहा मेरे साथ से अच्छा सर नहीं ये तक वाला है चंग मुझे मैं ले तक वाला अल्लाह का तो मैं ना 5000 ना भाई चिल्ला से हां चिल्ला से मैंने अंदर दुखा मत वहां को सारा चीज रखो क्या चिल्ला से गाड़ी लॉस खेचन जिसमें से तचवान यू चंगा जी मैं तब क्या ना आता क्या अच्छी बस हो जाने मैं पैदा लीक लीक पता है मीन में दे बाकी हम गोचन नसो अच्छा सर मुला दिमाग खराब मैं बस मिनी अंदर सर मिनी 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 कोई जुक चिमान मिन मैंने मिन जला वही अनफाजरी तो आखिरकार मेरा भाई मेरा दोस्त हिशमतुल्लाह राजी हो गया आगे तक जाने के लिए. देखो साथ साथ में अंपा स्केट शॉर्ट आउट फॉर दिस टैलेंटेड गाय फ्रॉम तुरतुक. हाँ भाई अच्छा स्केट चलाता है और साथ में अच्छा पेंटिंग भी करता है. लेट्स गिव अ शॉर्ट आउट फॉर हिम. मैं इसका इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे दे दूंगा, जाके फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए अच्छे क्या बोलते हैं पेंटिंग और अच्छे स्केट का मजा लीजिए. तो बर्फ पूरा जमा हो चला भाई शूज का कोई रोल नहीं है भाई, आगे जाके मैं शूज दे दूंगा बर्फ पे. ठीक है ना क्या से अल्लाह के सम क्या दुखा मत होंगे लीग में कसम ना कोई लोग से भाई क्या पंगा उचन वाला पंगा जी कसम पंगा जी बजू जल ची पंगा जी बजू ची मैंने दुखा दुखा मत और को दुखा मत तो चीते पे ना मत अल्लाह के संगल गोचा लंगा लगो ना वाला गोचा गोचा मैं क्या ची पंगा लो ची सब को से ची मोसे पन इजा ओ ओ भंग क्या ची बजू पन दुखा सुन मसुन के ना आज अच्छी क्या चीज है ना लिक्विड लिक्विड ना मिसल है ना ना अल्लाह सुन ना है सेमेंट सेमेंट सबमिट बच सबमिट चुन कुछ नहीं होगा पढ़ाई झड़ाई होते रहेंगे. चलो एक दिन दोस्त के नाम भी कर दे कुछ नहीं होता है. पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होता. ठीक है
बकचोदी ये सब है, पालने वाला ऊपर वाला पालने वाला है बस, वो रोजी रोटी का बंदोबस्त करेगा, नौकरी जोकरी कुछ चिंता मत ले तू, ठीक है ना? तो हंस के बिल्कुल सफर का हम शुरुआत करते हैं भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के। नहीं यार, पहले तो मेरे स्पोर्ट्स शूज है, ट्रैकिंग शूज है तुम्हारे पास, मेरे पास वो भी नहीं है। क्या ट्रैकिंग शूज हम दे देंगे, ये देखो अंपा भाई साथ में कोलंबस का लाया है, बिल्कुल विदेशी माल है। चलो मैं इधर तक चलता हूँ, चाबी तो मैं तुझे चुमीचन में ही दूंगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तभी। जवान का पक्का होना चाहिए ना, जवान बीस रास्ते में छोड़ दे। सो गाइस, अभी हमारे जर्नी को सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, तो हमें इधर हमें सोनो लिपर्ड का ट्रायल मिला है, फुटप्रिंट्स ऊपर को ही गया है, रिसेंट है क्योंकि ज़्यादा बर्फ इधर से पिघला नहीं है और सॉफ्ट है, इसका मतलब हमारे आगे आगे एक सोनो लिपर्ड भी गया है। आई होप कि वो रास्ते में मिले और हमारा सफ़र को और खूबसूरत बनाए। तो गाइस, एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से, ये जो आगे से जा रहा है मेरा दोस्त इस्मतुल्ला, इसने और मैंने मिलके मतलब आप लोगों को प्रैंक करने की बिल्कुल फुल प्लानिंग के साथ ये व्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने बोला था कि आप उधर से आने का नाटक करो, गाड़ी में चढ़ते हैं और व्यूवर्स को इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं आपको आगे तक ले जा रहा हूँ, फिर रास्ते में आधे रास्ते में प्रैंक करके आपको रास्ते से लौटा देंगे। बट एक्चुअल में मैं रियल में उसी के साथ ही प्रैंक कर रहा हूँ उसको, एक्चुअल में मैं 30 किलोमीटर पैदल दौड़ा के बिल्कुल चुमिकतिन तक ले जाऊँगा। अभी वो मेरे तरफ देख रहे हैं तो आई मेक श्योर कि उसको पता ना चले। तो अभी हम पहुँचे हैं तेबे वैली के सेकेंड विलेज जिसका नाम है पुरशोत। तो हमने ये जो बाईपास रास्ता है वो लिया था, तो हम गांव से नहीं आना हुआ, तो अब मैं अभी आपको गांव का थोड़ा व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो अभी जर्नी को हमारे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या 30 मिनट्स के करीब होने वाला है, तो सो फार सो गुड, अच्छा जा रहा है। सो गाइस, आवर जर्नी टुवर्ड्स चुमिकतिन इज कंटिन्यू। तो अभी हम सोनो लेपर्ड ट्रेल को ही फॉलो कर रहे हैं, देख सकते हैं। We are about to enter the third village of Tebe, Tebe Valley called Ganbalu. यहाँ से जो रोड है वो ख़त्म हो गया, जो मेन रोड है, और यहाँ से हमें अभी पोनी ट्रैक पकड़ना होगा। ऐसे ही छोटे रास्ते पर हमें ट्रैक करना है अबाउट 20 to 25 किलोमीटर्स। तो भाई अपने साथ में है, इस जगह का जो फॉर्मेशन ऑफ हाउस है ये मुझे बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ऐसे जो। देखिए रा। यार ना वो बन। देखिए जाते। बोला। यार मैं खुद जाते जाते। ये जाल लोग पा। यार ओमन मंगा यार तो। गाने में दम है भाई। So here we go with the fourth village of Tebe Valley, Tebe Nala, called Ganlachan. Ganlachan में हम अभी पहुँचे हैं, तो ये मेरे सामने जो है जो आपको खंडर दिख रहा है ये पुराने घर थे गल्लाचन के वासी, शुरू में यहाँ रहा करते थे कदीम ज़माने में, आजकल शिफ्ट होके यहाँ पे थोड़े पक्के घर बनने लगे हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे, आपको ले जाऊंगा गल्लाचन की गलियों से।
रूबरू कराऊंगा आपका। ठीक है सलाम जरूरत माला समझ So guys, make sure that there were no garbage left. और खुद तो अपना garbage collect करे और साथ में कोशिश करे जो आपको रास्ते में मिले जितने भी गार्बेज उनको पिक करे प्लीज़, और अपने बैग में डाल के कहीं पे जला दे या डिस्पोज कर दे उसे, क्योंकि अगर ऐसे ही हम इसको लाइटली लेते रहे तो ऐसे खूबसूरत वैली को भी गन या कोई कचरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो प्लीज़ गाइस मेक श्योर दैट कि कोई गार्बेज ना छूटे पीछे, और बाकी जो आपको रास्ते में मिले वो भी उठाए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। भाई अपना फुल यहाँ पे गेम्स ऑफ थोन का मजा लेते हुए मिर्जापुर का कालीन भैया याद आ रहा है यार। देख सकते हैं आप मिर्जापुर के बिल्कुल सिर्फ कालीन भैया मेड अप ऑफ प्योर स्टोन गत्ती। अलग सा फील नहीं है भाई, भाई ने फील ले लिया। कीप काम एंड स्टॉप यूज प्लास्टिक अवेयरनेस मस्ट है। हम सबको ऐसे इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ठंड लग रही थी तो मैंने ये कैप डाल दी। बंदे अपने साथ है। So guys, here is the gateway to the fifth village of Tevenale called Bangkha. तो आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं हमारे चाइल्डहुड में, जब हम थके हारे इतने दूर चल के हमारे पेरेंट्स के साथ यहाँ पे पहुँचते थे, तो वो हमें इस पत्थर के जरिए थोड़ा इंटरटेन करने की कोशिश करता था। ये पत्थर है ना प्लीज मेटल की तरह है, बैंग इट। शायद ये नहीं है, हाथ हटाइए प्लीज हाथ हटाइए। नहीं ये शायद नहीं है, ये है तो यही है, पर क्या हुआ पता है इसके ऊपर मिट्टी आ गया तभी ये साउंड नहीं कर रहा है, ऐसे सलंसर काम कर रही है मिट्टी, वरना टिंग टिंग करते थे इसलिए इसको टिंग टिंग फोंग टिंग टिंग फोंग कहते थे, मतलब टिंग टिंग करने वाला पत्थर। अनफॉर्चुनेटली ना हिटिंग हुआ ना ही टंग। भाई बड़े चाव से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, मुझे पता था ये टिंग नहीं करेंगे इसीलिए मैंने भाई को आगे भेजा। भाई का खड़ा खड़ा चुटिया कट गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते भाई, आज आज का दिन शायद शायद से आप जिंदगी में कभी भूल पाएंगे, है ना? वही तो सुबह जब किसका मुंह देखा था उठा चाबी छीन लिया भाई ही मारो, कोई बात नहीं भाई। तो गाइस 3 घंटे का अपना हाइकिंग कंटिन्यू है, और अभी और 1 घंटा लगभग 1 घंटा ही चलना है, तो अभी तक का सफ़र काफ़ी मस्त रहा। भाई अपने मायूस थे हिस्मतुल्ला, क्योंकि उसको प्रैंक में ही प्रैंक हो गया, तो कोई बात नहीं आगे इसको भाई को अपना ट्रीट भी देंगे, चुमिकचन में सरप्राइज है उसके लिए। तो गाइस दिस सपोज टू बी द फर्स्ट एवर व्लॉग और अ वीडियो जो इस वैली में फिल्म आ रहा होगा, एंड सातवां विलेज कंगलो, और इसके बाद अपना डेस्टिनेशन चुमिकचन। तो अभी जस्ट एंटर किए हम कांगलो में, और पूरे तेवे वैली में ये जो गांव है ये मोस्ट पॉपुलेटेड है इन रिसेंट डेज, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। ये रहा हमारा आखिरी पड़ाव जिसको बोलते हैं भगत। तो हमने यहाँ पे यही कुछ 15 मिनट का रेस्ट लिया, आधा सफ़र हमने तय कर लिया है।
बहुत की चढ़ाई का बिना किसी रेस्ट के। तो हिस्मतुल्ला भाई को थोड़ा दिक्कत आई चलने में, अभी जाके पछतावा हो रहा है मुझे। आई फॉरगॉट टू कैरी माई ग्लव्स, सो माइनस 2021 में कैमरा को होल्ड कर रहा हूँ विथ नेक हैंड। सो बहुत सर्दी भी लग रहा है, बट क्या करे, करना पड़ रहा है भाई लोग। यहाँ पे आके एक रेस्ट तो बनता ही बनता है, तभी लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट करने का जगह भी बनाया। और ये रहा माई टी ट्री, ये रहा भाई लोग। अभी हम खाली 20 मिनट ही दूर है अपने डेस्टिनेशन से। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का ऑन द गेटवे ऑफ, हाँ, चुमिकचन। अनफॉर्चुनेटली इट्स गेटिंग मोर डार्कर एंड डार्कर, तो लाइट का थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी आई होप कि अंधेरा होने से पहले ही हम चुमिकचन इंटर कर पाए और आपको थोड़ा बहुत झलक दिखा दूँ। बाकी अगर ज़्यादा अंधेरा हुआ तो गाइस सुबह ही आपको चुमिकचन दिखाऊंगा पूरा अच्छे से। सेव द चुमिकचन, से नो टू प्लास्टिक बाय अयान महा, मेरे छोटे भाई ने लिखा है। वो इसी मतलब गर्मियों में यहाँ पे विजिट किया था। तो आई वांट टू एंटर द लास्ट विलेज ऑफ तेवे कॉल चुमिकचन। चुमिकचन में हम इंटर हो चुके भाई, तो काफ़ी यादें जुड़े हुए इस जगह से। So finally guys, we reach at our home and now my mom preparing dinner for us, and I promise it's gonna be a special one. लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा है तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है एज कम्पेयर टू जो खाना गैस पे बना हो या हीटर पे। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रिपरेशन ऑफ टुडेज डिनर, याक मीट कुक्ड विद ऑर्गेनिक पोटैटोस एंड organic god aside. A very warm welcome from the first day at Chumichan. थोड़े से लेट हुए हम क्योंकि काफ़ी थके थे, कल का ट्रैक काफ़ी टफ रहा इसीलिए। तो आज काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इस ब्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाने वाले हैं अम्पा, अम्पा का क्या है घोड़ा अम्पा का घोड़ा लेने जाने जंगल से। उसका घोड़ा क्या है, घोड़ी प्रेग्नेंट है, तो उसको नीचे अपने घर ले जाएंगे, वो टेक केयर करेंगे बेबी के साथ। तो लेट्स